अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अपने मेन्यू जू पे देख सकते हैं आप लोग के भाई मैं आया हुआ था अपने मेन्यू जू पे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि ये तो खाली एक इंट्रो होता है, बाकी की पूरी वीडियो पड़ी हुई होती है अंदर, काफ़ी चीज़ें होती हैं पूरे दिन में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर मस्त। भाई देख सकते हैं भाई आप लोग गोटिया लोग इधर पीछे मस्त हुए हैं बाहर निकलने के लिए। वो देखो ये वाले में बात करता हूँ, गुटिया लोग माशाल्लाह से, इनको कल मैंने ऐसे आज़ाद छोड़ दिया था अपने मिनी जू पे, इधर ही उड़ रहे थे लोग, मैं भी अपना काम कर रहा था, ये भी आ जाते थे मेरे साथ तंग करते थे, मतलब मेरे पहले में ना। लेकिन ये फ्री फ्लाइट टाइम नहीं है, ये एंड टाइम है ये माशाल्लाह से ना। तो ये देख सकते हैं फिर आ गया, ये देखो गुटिया, ये देखो आ गया, ये देखो काटते नहीं है तंग करते हैं ये देखो। इसको कल मैंने छोड़ दिया था, ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था, मैं भी अपना काम कर रहा था। बाकी अभी देख सकते हैं लूसन लाए भाई आज इसमें, तोतों को सबको भाई लूसन डालेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी बेहतर है इन लोगों के लिए, काफ़ी कैल्शियम पूरी होती है, अनफर्टिलिटी भी इससे दूर होती है और गर्म भी है, तो यानी सर्दी के मौसम में बेस्ट है। तो अभी इनका दाना पानी करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहें, चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए आप जी गाइस, अभी देख सकते हैं आप लोग भाई मैं अपने लब्बर्स की कॉलोनी में आया हूँ, जो मैंने नए लब्बर्स छोड़े थे ना कॉलोनी में, तो मैंने बोला यार ज़रा जाके उनका विजिट तो करें, किसका प्यार लगा है, नेस्टिंग वगैरह कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। तो अभी देख सकते हैं भाई कॉलोनी में आया हूँ मैं अपनी, ये नेस्टिंग में नीचे घास वगैरह डाला था। तो स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से, हर मट्टी भाई देखेंगे आज किस में कोई हुआ है, किसमें नेस्टिंग आई है, सारी स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन विजिट करेंगे आज। नेस्टिंग काफ़ी मतलब हो चुकी है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई किसमें नेस्टिंग आई है किसमें नहीं। मैं तो अभी वीडियो जब एडिट करूँगा उस टाइम देखूँगा। तो अभी इनको बिना कोई ज़्यादा तंग किए हम लोग चलते हैं बाहर और इनका जो दाना पानी इनको रख देते हैं। ये लकड़ी भी मैं निकाल ली यहाँ से, तो अभी चलते हैं बाहर। तो वीडियो में एंड तक बने रहे भाई, फ्रेश लूसन जो है डाल दिया है, बाकी ये एक अंडा आप लोग देख रहे होंगे ये डेड इन शेल हो गया भाई, देखें हल्का सा तोड़ा है बच्चे ने, पूरा नहीं तोड़ सका। तो मैंने इसके एक कैंडलिंग की देखा तो अंदर से ये डेड शेल हुआ है। ये अंडा जो है ये ब्लू, ये अपना क्या बोलते हैं येलो फिशर का है यार, एक तो बहुत अटकता हूँ वीडियो बनाते हुए, तो येलो फिशर का ये अंडा है। उसका मैंने जो सेबल के नीचे पोस्टर किया था ये वो वाला अंडा था ना। तो अभी देख सकते हो भाई साफ पर इन लोगों को सही ज़बरदस्त लूसन डाल दिए। ये बॉक्स मेरे से थोड़ा टेढ़ा हो गया, टक्कर लग गई मेरी इस पर, इसको पहले मैं सीधा कर। ये तो भाई बॉक्स सीधा हो गया और ये अंदर अपने बॉक्स के अंदर भी लूसन ले भी गए माशाल्लाह से, ठीक है भाई सबको लूसन वूसन डाल दिया, भुट्टे भी डल गए, दाना छांटा मैंने इधर और इस पर थोड़ा पानी छिड़क दिया मैंने, तो मुर्गी मेरी शौक से खा रही है। बाकी ये मैं रोटी भिगोई भी थी रात की, रोटी भिगो के इसी दाने के जो छटा हुआ दाना था उसमें मिला के रोटी का वो गीला करके वो भी दिए। ये जो है देसी फूड है और ये बड़ा ना ज़बरदस्त किस्म का ताकत का काम करता है मुर्गियों के लिए, तो ये सही रहता है। बाकी देखें भाई सबको दाना पानी हो गया, भुट्टे वुट्टे लूसन वूसन सबको डल गया, सब परिंदे खाने में इस टाइम मसरूफ़ हैं। इन पट्ठों का यार अब बस बहुत हो गया, इनको भी अब अलग कर दूंगा मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह, देखना है बस इनको कि खाली ये खा रहे हैं नहीं, बाकी इनको बस मैंने बहुत जल्दी अलग कर देना है, क्योंकि बहुत टाइम से यार ये लोग साथ में ही सेल्फी नहीं हो रहे पता नहीं क्या। तो इनको बहुत जल्दी मैं अलग कर दूंगा इंशाल्लाह दो चार दिनों में, ताकि मेरा यार जोड़ा भी दोबारा भीड़ पे आए, इस तरह तो मेरा तो पूरा सीज़न ही ज़ाया हो जाएगा। बाकी अंदर वालों को भी डालें भाई, ये देखें इनको भी भुट्टा लूसन दाना पानी सब डल गया, ठीक है। कॉकटेल बहुत ही कम खाते हैं लेकिन इसको भी मैंने थोड़े से पत्ते डाल दिए,
तो ये मुर्गी अंदर बंद की हुई है, सबने खा पी लिया, सबका पेट भर गया। तो अभी जोर की नमाज का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं भाई जोर की नमाज पढ़ने, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं सीधा दोपहर के खाने पे। तो वही बात थी कि मेरी सच कल पूरा दिन गैस नहीं आया और पूरी रात भी गैस नहीं आया। मज़े की बात, रात को 2 बजे गैस आया। तो इस वीडियो को मैं यहीं, इस क्लिप को यहीं मैं ये एंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के आके जब अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर और सब्सक्राइब मत। व्यूअर्स ये देख सकते हैं भैया आप लोग, ठीक है, कॉलोनी में भी जो है भुट्टे और लूसन जो है डाल दिए, दाना भी डाल दिए। तो अभी उतरेंगे नीचे कॉलोनी वाले, तो ये अपना जो है खुद ही खा पी लेंगे, पानी भी चेंज कर दिया इनका। और यहाँ पर जो है मैंने तार वगैरह भी जो है लगाता हूँ लगा दिए। बाकी मुर्गा आज मैंने इधर अंदर कर दिया, 2-3 दिन से अंदर ही बनता वो। तो मैंने बोला यार थोड़ा वो भी पर वर खोलना, तो मैं थोड़ा फ्लाई कर ले थोड़ा। तो अभी चलता हूँ भाई नीचे, ये वाला अंडा भी ले जाऊँ, उसको भी फेंक दूँ, पता चले मुर्गी ना खा ले। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को जो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आज मेरी 181st वीडियो होगी, तो 180 वीडियो बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। तो भाई काइंडली सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बस यही तरीका जी गाइस। तो भाई अभी असर की नमाज़ के बाद जो मैं विज़िट पे आता हूँ, आया हूँ मैं अपने ऊपर बर्ड्स के पास, इनको थोड़ा मैंने देख लिया भाई, तमाम बर्ड्स हेल्दी एक्टिव में सही हैं, ज़बरदस्त हैं। अंदर कमरे की लाइट बंद कर दी है मैंने, आप बहुत उछलते हैं ये लोग, मुर्गियों ने ना उधम मचाया हुआ था। तो एक को इधर अभी अभी मैंने पानी रखा है, ये थोड़ा पानी पी ले, वो देखो चलाकी पानी पी लिया, आगे निकल गए घूमने के लिए। चल चल अंदर चलो, उनकी चलाकियाँ नहीं ख़त्म होती हैं। तो अभी भाई जा रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है, मगरिब की नमाज़ का टाइम तो होने ही वाला है। बाकी देख सकते हैं भाई आप लोग, बजरी का बच्चा ये संभल गया है भाई, अल्लाह का शुक्र है। ये दाना वगैरह अब खुद खा रहा है अपना, ये तो अब सही हो गया। ये आला बच्चा चेक करूँ, ये देखें भाई माशाल्लाह से वाइट रुआ आ रहा है इसका बच्चे का, ठीक है, इसकी आंखों का नहीं पता, ब्लैक आईज है भाई, ये ब्लैक आईज है, आज कंफर्म हो गया है फाइनली ये ब्लैक आई है। आई वे निकाला ये भाई, ओहो तो फाइनली भाई कंफर्म हो गया है कि ये ब्लैक आई अल्बाइनो बच्चा निकलेगा, जैसे इसकी फीमेल है वैसे ही बच्चा निकलेगा। बाकी इनको भाई अब इनका ये आखिरी दिन ही है इधर, ये बच्चों का इनको तो मैंने अब कल अलग कर ही देना भाई, कंफर्म हो गई है बात। तो बाकी माशाल्लाह से सारे परिंदे जो हैं हेल्दी एक्टिव हैं, सही ज़बरदस्त फिट फाट, ठीक है। यहाँ पे भी याला बच्चा भी चेक कर लें यार, ऐ भाई ब्लू पसनाटा और सिंपल फिशर है, ठीक है, उसका ये बच्चा है, देखते हैं अब क्या निकलता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है परसनाटा फिशरी होएगा बच्चा। तो अभी चलते हैं भाई नीचे, मगरिब की नमाज़ का टाइम भी हो रहा है, तो फिर नीचे चल के आप लोगों को मिलते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो भाई आज का व्लॉग यहाँ पर एंड होता है, इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तो भाई आज पूरा दिन हो गया है, गैस आ ही नहीं रहा है, कसम से बहुत तंग करके रखा हुआ है गैस ने। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें एक बंदा जो है गैस बंद करता हुआ पकड़ा गया, जो मेन जो गैस सप्लाई के स्टेशन होते हैं ना वहाँ से बाकायदा खुद सरकारी बंदा, उसके पास कार्ड भी, बोला मैं ऊपर से आर्डर है। क्या यार आवाम को परेशान करके रखा हुआ हुक्मरानों ने, और कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सब कुछ है यार, बस तंग कर दिया आवाम को और कुछ भी नहीं। कल भी पूरा दिन गैस नहीं था, कल पूरी रात को भी गैस नहीं आया, आज पूरा दिन हो गया आज भी गैस नहीं है। तो इतना इतनी महंगाई करते जा रहे हैं, एक तो ऊपर से आटा आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है, एक रोटी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, और ऊपर से गैस नहीं आ रहे, तो भैया सिलेंडरों में कहां से आ रहे हैं यार, क्या अजीब बात है कसम से। तो बाजा अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान पर, अल्लाह अपना रहम ही करे, हुक्मरानों से तो कोई जो है उम्मीद बाकी नहीं रही है। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.